हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा चिकित्सालय न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल चिकित्सालय है और लगभग 5 से 6 हज़ार का आउटडोर प्रतिदिन यह सामान्य रूप में रहता है। और जब मौसमी बीमारियां होती हैं, जैसे अभी भीषण तापमान हुआ और लू चली, लू की चपेट में आने से और भी संख्या में मरीज यहाँ आते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी रहें, हर प्रकार से साधन, हर प्रकार से अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी दवाइयाँ चिकित्सालय में उपलब्ध हैं और उनका व्यवस्थित रूप से मैनेजमेंट करके उन चीज़ों का उपयोग बेचारा वो दुखी पीड़ित व्यक्ति जो रुग्ण होकर चिकित्सालय में आ रहा है, ये हम सभी का दायित्व है। और चूँकि डेली बहुत सारे मरीज, लगभग 642 मरीज यहाँ पर बेड की व्यवस्था है जिन्हें एडमिट किया जा सकता है, जिसमें से लगभग 70-80% हमेशा जो है उनकी उसमें एडमिट रहते हैं। 50 डिग्री से भी अधिक तापमान हमारे शहर का रहा, पूरे भारतवर्ष के शहरों का रहा, और इन सारी चीज़ों को लेकर चूँकि एक बार मैं भी ये सारी व्यवस्थाएं देखना चाहता था, जहाँ जहाँ कुछ कमियां नज़र आई हैं उन कमियों को दूर करने के लिए कहा है। और अतिशीघ्र प्रयास है कि जैसे बहुत बड़ी संख्या में मैंने देखा अभी कि गायनिक वार्ड में महिलाएं भी भर्ती थी और गायनिक वार्ड की जो स्थितियां थी उनमें और भी सुधार की आवश्यकता है, वो सुप्रिटेंडेंट साहब से कहा है। एसी हमारे कई सारे वहाँ लगे हुए हैं, मैं अभी जानकारी लूँगा कितने समय से वो एसी लगे हुए हैं और किसका दायित्व है कि वो एसी चालू रहें, क्योंकि अधिकांश एसी बंद है और उनके ऑल्टरनेट में भी जो कूलर है वो लगाए गए हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि उनमें भी किराए से लगाए गए हैं, उनमें भी पैसा खर्च होता है, तो उनके जितना पैसा उसमें खर्च हो रहा है उसमें वो एसी ठीक हो जाए तो एक अच्छी व्यवस्था वहाँ हो सकती है। मेरा मानना है कि यदि थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ और समुचित मैनेजमेंट किया जाए तो उस प्रबंधन से कम पैसों में अच्छी सुविधाएं हम सुचारू रूप से दे सकते हैं। देखिए, मेन पावर की बड़ी समस्या है और पिछले 5 साल में लगातार मैंने विधानसभा में इस बात को उठाया है और अब चूँकि हमारी सरकार है तो हम निश्चित रूप से जो प्रपोजल हमारे यहाँ से मेडिकल कॉलेज से गए होंगे उसको लेकर हम चिकित्सा मंत्री से मिलेंगे और प्रयास करेंगे कि मेन पावर की वो समस्या भी उसका निदान हो सके। क्योंकि जब भी कई नए वार्ड को प्रारंभ करने की बात आती है तो हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब और सबका यही कहना होता है कि मेन पावर उपलब्ध कराया जाए। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।